हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्वेता रसोई घर। आज बना रही हूँ चना का छोला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चना छोला बनाने के लिए मैंने देसी चना लिया है और चने को रात भर भिगोने के लिए रख दिया था और इसे अच्छे से वॉश करके मैं कुकर में डाल दूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी और इसे मैं अच्छे से पैक कर लूंगी और इसे 2 सीटी बजने तक उबलने के लिए रख दूंगी। जब तक चना उबल रहा है तब तक मैं मसाले को ग्राइंड कर लूंगी। मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ले लिए कट किए हुए प्याज एंड कट किए हुए टमाटर, 2 हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े एंड लहसुन की कलियां। अब इसे ग्राइंड कर लूंगी और मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और तब तक हमारी चना भी उबल चुकी है और मैंने चने को अच्छे से छान लिया है। अब कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है और कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सरसों तेल और तेल को भी अच्छे से गर्म होने दूंगी। तेल गर्म होने के बाद इसमें ऐड करूंगी तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा एंड हींग। अच्छे से पकने के बाद इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच बेसन और इसे अच्छे से मिला लूंगी ताकि बेसन का कच्चापन हट जाए। और मैंने अच्छे से मिला लिया है और मैंने जो रेडी पेस्ट किए थे वो मिला लूंगी और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। और अच्छे से मिलाने के बाद इसमें ऐड करूंगी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और मरीच पाउडर एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और मसाले को मिला लूंगी। मसाले को अच्छे से भूनना है मसाले हमारे हल्के ड्राई हो रहे हैं और इसे भी मैं अच्छे से भूनती रहूंगी। मसाले अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसमें मैं उबले हुए चने ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी और इसे भी थोड़ी देर भूनना है। और अब इसमें 2 चम्मच ताजी दही ऐड करूंगी। एंड कटी हुई हरी धनिया पत्ता और इसे अच्छे से मिला लूंगी। इसे भी मैं थोड़ी देर भूनूंगी मैंने इसे थोड़ी देर भून लिया है। अब इसमें ऐड करूंगी पानी। मैं ज्यादा पानी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि चने पहले से ही उबले हुए हैं। जितना ग्रेवी रखना है उतना ही मैं पानी ऐड करूंगी और इसे अब अच्छे से मिला लूंगी। मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से चेक किया तो ग्रेवी ठीक हो गई है और इसे अच्छे से मिला लूंगी। और अब इसमें लास्ट में ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। छोले अच्छे से बन गए हैं, ग्रेवी भी अच्छे से ठीक हो गई है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। रेडी है मसालेदार चना का छोला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। इससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।